हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। आपकी क्लास प्लस वन है और आज हम सिक्स चैप्टर है जो कंट्रोलिंग द माइंड वो करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में आपको बताया गया है कि हम अपने माइंड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। कई बार हम पढ़ रहे होते हैं तो क्या होता है कि हम सोचते हैं कि यार आज तो मेरा पढ़ने का मन नहीं है, सिटिंग नहीं हो पा रही मेरे से, क्या करूँ। मतलब हमारा मन हमारा साथ नहीं दे रहा, हमारा दिमाग हमारा साथ नहीं दे रहा। तो ये पॉइंट इसमें जो राइटर है उसने माइंड को कंट्रोल करने के लिए कुछ सजेशंस दिए हैं कि हम माइंड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। पीपल से लोग कहते हैं वन कैन नॉट हेल्प वंस थॉट, कहते कि एक आदमी के विचारों को रोका नहीं जा सकता, बट वन कैन द कंट्रोल ऑफ द थिंकिंग मशीन इज परफेक्टली पॉसिबल। कहते पर जो सोचने वाली मशीन है उस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। एंड सिंस नथिंग हर्ट्स अस और गिव्स अस प्लेजर एक्सपेक्ट विद इन द ब्रेन, और कहता कि जब हमारे हमें कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचाती, हमें खुशी देती है विद इन द माइंड, माइंड के साथ द सुप्रीम इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग एबल टू कंट्रोल। इससे हमारा ये जो सुप्रीम इम्पॉर्टेंस है कंट्रोल करने के लिए, व्हाट गोज़ ऑन इन द दैट मिस्टीरियस ब्रेन इज एविडेंट, और इसमें जो मिस्टीरियस हमारा ब्रेन है उसमें जो एविडेंस बन जाता है। मतलब कहने का ये है कि हमें जब कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुँचाती, हमें खुशी देती है हमारे दिमाग में, तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। दिस आइडिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेटिट्यूड्स, ये बहुत पुराना आइडिया है, बट इट इज़ अ प्लेटिट्यूड हुज प्रोफाउंड ट्रूथ एंड अर्जेंसी मोस्ट पीपल लिव एंड डाई विदाउट रियलाइजिंग। पर ये उनके लिए है जो बहुत सारे लोग लिव एंड डाई विदाउट रियलाइजिंग, इसको मतलब जाने बिना ही मर जाते हैं, मतलब उनकी ख़त्म हो जाता है। वो ये सोचते रहते हैं कि हम तो अपना माइंड कंट्रोल ही नहीं कर पाए। पीपल कंप्लेंट ऑफ द लैक ऑफ पावर टू कंसनट्रेट, लोग कंप्लेंट करते हैं कि हमारी कंसनट्रेशन पावर बहुत कम है, नॉट नोइंग दैट दे मे अकर द पावर इफ दे चूज। उनको ये नहीं पता कि ये पावर वो अकर कर सकते हैं, अपना सकते हैं अगर वो चूज करें तो। एंड विदाउट द पावर टू कंसनट्रेट, बिना कंसनट्रेट की पावर के, दैट इज़ टू से विदाउट द पावर ऑफ पावर टू डेडिकेट टू द ब्रेन इट्स टास्क एंड टू अश्योर ऑविडेंस टू लाइफ इज इम्पॉसिबल। अगर आप अपने कंसनट्रेशन की पावर ही नहीं है आपके अंदर, तो आप इस पावर के बिना दिमाग में जो टास्क लेके आते हो कि मैंने आज ये करना है, ऑबिडेंट ट्रू लाइफ है जो मेरी, वो पॉसिबल ही नहीं हो सकती, आप कंसनट्रेट नहीं कर सकते। तो माइंड कंट्रोल इज़ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फुल एग्जिस्टेंस, माइंड को कंट्रोल करना सबसे पहला लाइफ का आपका लक्ष्य होना चाहिए। हंस इट सीम्स टू मी, जैसे कि मैं हूँ, द फर्स्ट बिजनेस ऑफ द डे शुड बी टू पुट द माइंड थ्रू इट्स प्लेसेस। कहते आप घर से निकलते वक्त सबसे पहले ये सोचो कि आपने आज करना क्या है। You look after your body inside or out. आप अपनी बॉडी को ध्यान रखते हो अंदर से भी और बाहर से भी। You run grave danger in hacking hairs off your skin. जब आपके मतलब स्किन के जो ऊपर वाले हेयर होते हैं वो रफ हो जाते हैं। You employ a whole army of individuals from the milkman to the meat seller. आप उनको काटने के लिए आर्मी बुलाते हो, मतलब हम उन बालों को काटने के लिए बार्बर्स के पास जाते हैं, मिल्क मैन रखते हैं अपने पेट को भरने के लिए मीट सेलर तक के, टू एबल यूज टू बर्ब योर स्टमक इन टू डिसेंट बिहेवियर, ताकि आपका पेट अच्छे से काम कर सके। वाई नॉट डिवोट आर लिटल अटेंशन टू फार मोर डेडिकेट मशीनरी ऑफ माइंड। यही ध्यान आप अपने पेट पे और बॉडी पे तो ध्यान दे रहे हो, कहता है राइटर, पर आप क्या कर रहे हो, अपने माइंड पे थोड़ा सा ध्यान दे सकते हो। स्पेशली एज यू विल रिक्वायर नो एक्सट्रेनियस एड फॉर दिस पोर्शन ऑफ द आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ लिविंग। यू मे रिजर्व द टाइम फ्रॉम द मोमेंट ऑफ क्विटिंग योर डोर टू द मोमेंट ऑफ अराइविंग एट योर कॉलेज। कहते यही काम जब आप मतलब घर से कॉलेज जाते हो, घर कॉलेज से घर आते हो, तो आप उस टाइम में भी अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो। बट क्या, आई एम टू कल्टिवेट माइंड इन द स्ट्रीट ऑन द प्लेटफॉर्म इन द ट्रेन एंड इन द कवर्ड स्ट्रीट। अब सुनने वाला तो ये कहेगा कि आते जाते रस्ते में, मतलब मैं अपने माइंड को कल्टिवेट करूँ सड़कों पे, प्लेटफॉर्म पे, ट्रेन्स में,
भीड़ भाड़ वाली सड़कों में, नथिंग सिमिलर, नो टूल्स रिक्वायर। कहता है इसमें बुरा क्या है, आपको कुछ सिमिलर करने की ज़रूरत नहीं है, कोई टूल नहीं चाहिए इसके लिए, नॉट इवन अ बुक, ना ही आपको कोई बुक चाहिए भी, चलते चलते आपको बुक पढ़नी पड़ेगी। नेवर लेस द अफेयर इज नॉट ईजी। तो ये जो अफेयर है ये इतना ईजी नहीं है। वैन यू लीव योर हाउस, जब आप अपने घर को छोड़ते हो, मतलब घर से निकलते हो, कंसनट्रेट योर माइंड ऑन अ सब्जेक्ट, आप एक सब्जेक्ट पे कंसनट्रेट करो कि आज मैंने ये करना है। यू विल नॉट हैव गॉन 10 yards बिफोर योर माइंड हैव स्किप्ड अवे अंडर यू वेरी आइज एंड अंडर यूर वेरी आइज एंड आर लार्किंग अराउंड द कॉर्नर विद अनदर सब्जेक्ट। आप 10 मिनट आगे जाओगे तो आपका माइंड है जो वो स्किप कर जाएगा कि नहीं नहीं आज मैं ये काम नहीं करता, आज तो मैं वो करूँगा। ब्रिंग इट बैक बाय द स्कफ ऑफ द नेक, आप इसको गर्दन से पकड़ के लाओगे उस आइडिया को कि नहीं मैंने जो सोचा आज मैं वही करूँगा। बिफोर यू हैव रीच्ड द स्टेशन यू विल हैव ब्रॉट इट बैक फॉर अबाउट 40 times। जब तक आप अपने स्टेशन तक पहुँचोगे तब आपके दिमाग में 40 और नए आइडिया आएंगे, नहीं यार आज मैं ये कर लेता हूँ, नहीं मैं आज वो कर लेता हूँ। डू नॉट डिस्पेयर, कंटिन्यू, आप उससे पीछे मत हटो, लगे रहो, कीप इट अप, यू विल सक्सीड, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। यू कैन नॉट बाय एनी चांस फेल इफ यू प्रिजर्व, यू कैन नॉट बाय एनी चांस फेल, आप अगर चलते रहोगे तो आपको चांस ही नहीं है कोई फेल होने का। इट इज़ आइडल टू प्रिटेंड दैट योर माइंड इज़ इनकैपेबल ऑफ कंसनट्रेशन, ये आपके दिमाग की जो कंसनट्रेशन बनाने की जो कैपेसिटी खत्म हो चुकी है उसको बनाएगा। डू यू नॉट रिमेंबर दैट मॉर्निंग वैन यू आवर कॉल्ड अपॉन टू एड्रेस यूर क्लास, आपको नहीं पता कि मॉर्निंग में जब आप स्कूल में होते थे आपको भाषण देने के लिए कहा जाता था। हाउ यू कैप्ट योर माइंड स्टीड ऑन द सब्जेक्ट ऑफ यूर टॉक, आप उस भाषण पर अपना दिमाग कैसे लगाते थे, विदाउट अ सेकेंड्स इंटरमिशन, बिना आप एक सेकेंड गवाए, अनटिल यू रीच योर कॉलेज एंड गिव अ स्पीच, जब आप जाके स्कूल कॉलेज ना पहुंच जाते और अपनी स्पीच दे देते। हमें स्कूल में कहते हैं ना, कॉलेज में कहते हैं कि आपकी आज स्पीच है, आपको तैयार करके लानी है, तो हमारा पूरा ध्यान उस पर हो जाता है कि यार स्पीच देनी है कल, बनाओ बैठ के पढ़ो उसको, अगले दिन सुबह सुबह पहुँच के स्पीच दे डालो। तो वैसे ही आपने उस में अपने काम में कंसंट्रेट करना है। दैट वॉज अ केस इन विच यू वर अरोस्ड बाई सर्कमस्टांसिस टू सच अ डिग्री ऑफ वेटेलिटी दैट यू वर एबल टू डोमिनेट योर माइंड लाइक ए टायरेंट, इस तरह आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हो। यू वुड हैव नो ट्रिफलिंग यू इंस्टेड दैट इट वर्क शुड बी डन, इससे आपका काम खत्म हो जाएगा, एंड इट वर्क्स वॉज डन, और आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। बाय द रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ कंसंट्रेशन, अगर आप रोज इस तरह प्रैक्टिस करते रहोगे, यू कैन ट्रेनाइज ओवर योर माइंड एवरी आवर ऑफ द डे, हर एक घंटे आप इस तरह की प्रैक्टिस करो, एंड नो मैटर व्हाट प्लेस, और ये ना सोचो कि जगह कौन सी है। द एक्सरसाइज इज अ वेरी कन्वीनियंट वन, एक्सरसाइज बहुत कन्वीनियंट है इफ़ यू गॉट इन टू योर मॉर्निंग, बस विद टूल्स फॉर बिल्डिंग यूर मसल्स और इन अ साइक्लोपीडिया इन 10 volumes ऑफ फॉर इम्प्रूविंग योर माइंड यू वुड प्रोबेबली एक्साइस्ट रिमार्क इफ़ यू गॉट इन टू योर मॉर्निंग। अगर आप अब सुबह अपनी जाते हो, अपनी मसल्स को तैयार करते हो कि आज मैंने बस में बैठना है, अपने माइंड को इम्प्रूव करते हो, बट एज़ यू वॉक इन द स्ट्रीट, पर जब आप सड़क पर जा रहे हो और सिट इन अ कॉर्नर ऑफ द बस और बस के एक कॉर्नर में बैठ जाते हो, हु इज़ टू नो दैट यू आर एंगेज्ड इन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ डेली एक्ट, तो आपको कौन जानता है कि आप कोई महत्वपूर्ण काम करने जा रहे हो। हु कैन लाफ एट यू, कौन आप पे हंसेगा अगर आपके एक कॉर्नर में जाके अपना काम करोगे, तो कौन हंसेगा, कौन ये कहेगा कि आप इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो। आई डोंट केयर व्हाट यू कंसंट्रेट ऑन, मुझे कोई परवाह नहीं कि आप किस चीज़ पे कंसंट्रेट कर रहे हो, सो लॉन्ग एज यू कंसंट्रेट, आप किसी भी चीज़ पे कंसंट्रेट करो, इट इज़ द मेयर डिसिप्लिनिंग ऑफ थिंकिंग मशीन दैट काउंट, ये एक डिसिप्लिन बनाने की थिंकिंग मशीन है जो आपने डेवलप करनी है। बट स्टिल यू मे एज वेल किल 2 birds विद 1 stone, पर आप इस टाइम एक हथियार से 2 निशाने लगा सकते हो, एंड कंसंट्रेट ऑन समथिंग यूजफुल, और बिना यूजफुल की चीज़ के अगर आप यूजफुल चीज़ करोगे तो वो ज़्यादा बेटर होगी। आई सुजेस्ट यू कंसंट्रेट ऑन अ लेसन विच यू रीड यस्टरडे इन द क्लासरूम और द होम, अब मैं आपको सुजेस्ट करता हूँ कि आप कंसंट्रेट करो उस चैप्टर पे जो आपने कल क्लासरूम में पढ़ा था या फिर घर पे पढ़ा था। आई नो माई फ्रेंड वट यू आर थिंकिंग, मुझे पता है फ्रेंड तुम क्या सोच रहे हो, इट इज़ यूजलेस फॉर यू टू डिस्कस द फैक्ट, ये यूजलेस है जो तुम सोच रहे हो, आई कैन हियर यूर ब्रेन लाइक अ टेलीफोन एट माई ईयर, मैं तुम्हारे दिमाग में जो बात चल रही है उसको फोन की तरह सुन सकता हूँ। यू आर सेइंग टू यूर सेल्फ, तुम अपने आप को कह रहे हो, दिस फॉलो इज टॉकिंग कॉन्सेंस,
वट ही सेज़ अबाउट थिंकिंग इन ट्रेन्स एंड तुम ये कह रहे हो कि ये क्या बात कर रहा है, ये ट्रेन में सोचने की बात कर रहा है. कंसनट्रेशन इज़ नॉट फॉर मी. कंसनट्रेशन मैंने अपने लिए नहीं बनानी है. इट मे बी वेल इनफ फॉर सम एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पीपल बट इट इज़ नॉट फॉर अ कॉमन पीपल पर्सन लाइक मी. कहता है ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पीपल्स के लिए बहुत अच्छी हो सकती है, कॉमन पीपल मेरे लिए, मेरी तरह के जो लोग हैं उनके लिए नहीं है. इट इज़ फॉर यू, ये तुम्हारे लिए है. आई पैशनेटली रिपीट, मैं तुम्हें रिपीट करता हूँ, इट इज़ फॉर यू, ये तुम्हारे लिए है. इंडीड यू आर द वेरी पर्सन आई एम एमिंग एट. अगर तुम ऐसे पर्सन हो तो मैं तुम्हें ये सिखाऊंगा. इफ़ यू थ्रू अवे दिस सुजेशन, यू थ्रू अवे द मोस्ट प्रीशियस सुजेशन दैट वॉज एवर ऑफर टू यू. अगर तुमने इस सुजेशन को निकाल दिया तो तुम्हें ऐसा सुजेशन और कहीं नहीं मिलेगा. इट इज़ नॉट माई सुजेशन, ये मेरा सुजेशन नहीं है. इट इज़ सुजेशन ऑफ द मोस्ट सेंसिबल एंड प्रैक्टिकल मैन. ये उन लोगों के बनाए हुए सुजेशन हैं जो दैट हैव वॉक द अर्थ, जो इस धरती पर रहते थे. आई ओनली गिव इट टू यू एट सेकेंड हैंड. मैं तो ये तुम्हें उनसे उधार लेके दे रहा हूँ. ट्राई इट, इसको ट्राई करो. गेट योर माइंड इन हैंड, अपने माइंड को अपने हाथ में लेके आओ. एंड सी हाउ द प्रोसेस अगर हाफ द इवल ऑफ लाइफ, और देखो कि तुम्हारे जिंदगी में से जो आधी बीमारियां हैं वो खत्म हो जाएंगी, जैसे कि चिंता, मिसरेबल, अवॉइडेबल, शेमफुल डिजीज और वरीज. ये सब चिंताएं खत्म हो जाएंगी अगर तुम अपने माइंड को अपने कंट्रोल में कर लोगे. ठीक है बेटा, तो ये आपका चैप्टर था. हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे. हाँ जी, तो लॉन्ग क्वेश्चन है, हाउ कैन वी लर्न टू कंट्रोल अवर माइंड. कैसे हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं. राइट ए वेल डिवेल्प पैराग्राफ. अपने 100 पैराग्राफ लिखना है 100 वर्ड्स का. ह्यूमन माइंड इज़ अ काइंड ऑफ मशीन दैट थिंक. ह्यूमन माइंड है जो वो एक मशीन है सोचने की. इट इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ ऑल अवर जॉय एंड सॉरो. यहाँ से ही हमारी खुशी और हमारा दर्द आता है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल व्हाट गोज इन ऑन इन अवर माइंड. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे दिमाग में चल रहा है हमने उसको कंट्रोल करना है. माइंड कंट्रोल इज़ नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. ये बहुत मुश्किल नहीं है. वी कैन लर्न टू कंसंट्रेट बाय रेगुलर प्रैक्टिस. हम कंसंट्रेट करना सीख सकते हैं रोज की प्रैक्टिस से. नो मटेरियल इज़ नीडेड टू लर्न आर्ट ऑफ कंसंट्रेशन. कोई मटेरियल की ज़रूरत नहीं है. नॉट डज इट नीड एनी स्पेशल टाइम. ना इसको स्पेशल टाइम और प्लेस चाहिए. वी कैन ईजली लर्न रेगुलर प्रैक्टिस. हम इसको रोज़ प्रैक्टिस करके हासिल कर सकते हैं. वैन वी लीव अवर हाउस इन द मॉर्निंग, जब हम सुबह घर से चलते हैं, वी शुड कंसनट्रेट अवर माइंड सम सब्जेक्ट. हमें अपने माइंड में कुछ सब्जेक्ट सोचने चाहिए. शुरू में हम उन हमारे माइंड में वो सब्जेक्ट स्किप होंगे, हम और सब्जेक्ट के बारे में सोचेंगे. पर आपको उसी सब्जेक्ट के बारे में सोचना है जो आपने सबसे पहले सोचा. We will have to do it and again. हम इसको वापस से करते रहेंगे. But we should not lose it. पर हमने दिल नहीं छोड़ना कि आज नहीं हुआ कल नहीं हुआ. Regular practice से you can assure obedient from a mind. आपका mind obedient हो जाएगा, आपकी बात मानने लगेगा. It does not matter on what subject we concentrate in order to discipline our mind. Subject कोई matter नहीं करता कि कौन सा है, अच्छा है बुरा है. आपको discipline बनाना है अपने mind का. You can kill इस आप दो birds का शिकार कर सकते हो एक स्टोन से, कि आप अपनी कोई यूजफुल चीज़ सोच के आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो. ठीक है जी, सेकंड क्वेश्चन भी बेटा सेम ही है कि कंट्रोलिंग ऑफ माइंड क्या है और इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है. ठीक है, तो पहले क्वेश्चन आपने सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन लर्न करना है. इसमें से आपको कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए आपने सिर्फ ये क्वेश्चन लर्न करके लिखना है. ओके, तो हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे. हाँ जी, शॉर्ट क्वेश्चन है, कैन वन हेल्प वंस थॉट. क्या थॉट हेल्प कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं? हाँ, हम थॉट्स पे कंट्रोल कर सकते हैं. पावर ऑफ कंसंट्रेशन का क्या मतलब है कि माइंड को कंट्रोल करने की पावर. ये पावर हमारे ब्रेन में जो टास्क होते हैं उसको डेडिकेट करती है और डिक्टेट करती है और ऑबिडेंट बनाती है. नेक्स्ट है, व्हेन कैन वी कल्टीवेट अवर माइंड. हम कब कल्टीवेट कर सकते हैं? किसी भी टाइम में और किसी भी प्लेस में. व्हाट हैपेंड व्हेन यू आर कॉल्ड अपॉन टू एड्रेस अ क्लास. क्या होता है जब आपको क्लास में एड्रेस करना पड़ता है. ऑन माई वे टू द कॉलेज, जब मैं कॉलेज के रास्ते में जा रहा हूँ, मैं अपने माइंड में सब्जेक्ट लेके चलता हूँ. माइंड मेरा उस टास्क को डिटेक्टेड करता है और मैं जाके स्पीच सक्सेसफुली दे पाता हूँ. Why can't anyone laugh at you while you are doing mental exercise in a bus?
लोग आप पे हंसेंगे क्यों नहीं जब आप बस में बैठ के कोई मेंटल एक्सरसाइज करोगे। मेंटल एक्सरसाइज जो साइलेंट होती एक्टिविटी होती है, किसी को नहीं पता चलता कि आप क्या कर रहे हो, तो इस पे कोई हंसी का मजाक या पैदा हो ही नहीं सकता। इन व्हाट वे यू कैन किल टू वर्ड्स विद वन स्टोन, किस तरीके से कर सकते हो आप कंसंट्रेट कर सकते हो अपनी कोई यूजफुल चीज़ के बारे में सोच के। व्हाट इज़ अ सजेशन ऑफ मोस्ट सुटेबल मैन, क्या सुजेशन है एक सुटेबल मैन सेंसिबल मैन के लिए कि उसका दिमाग कंट्रोल में होना चाहिए। दस वी कैन ओवरकम अवर वरीज, इससे हम अपनी चिंताओं पर काबू पा सकते हैं। ये सुजेशन सेंसिबल मैन्स के लिए है। वट काइंड ऑफ इवल कैन बी क्रूड बाय कंट्रोलिंग द इवल, कौन सी इवल से हम छुटकारा पा सकते हैं माइंड को कंट्रोल करके। वरी चिंता है जो वो हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी बीमारी है, और दिमाग को कंट्रोल करके हम उन पर काबू पा सकते हैं। ठीक है बेटा, इस तरह से ही आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप इनको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके बेटा, ओके, हैव अ नाइस डे।